बोलिए बाबा कहाँ से आए आप? जलगांव से। लेकिन हमें नहीं सुनाई, उते जलगांव में रहता हूँ लेकिन नासिक में भी। नासिक से आए, आपका नाम क्या है? बहु साहेब जादव। क्या समस्या लेके आए हैं? हनुमान जी महाराज सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। 6 साल से मैं परेशान हूँ बीवी से। क्या हो गया? किससे? बीवी और बच्चों से। 99% पृथ्वी के देवता देवियों से बड़े परेशान हैं। 99% ज्यादा बोल दे, सॉरी नहीं इतना नहीं, 40%। 90% तो हम भी आ जाएंगे, हम नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ 30% पृथ्वी के देवता जो पति देवता है ना, वो पत्नी से बड़े टेंशन में है, मतलब देवियों से बड़े टेंशन में है। ऐसा क्यों करती हैं देवियां आप लोग बताइए? ऐसा नहीं करना है। तुम रो रहे हो कि हंस रहे हो? नहीं रो रहा हूं, मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। अच्छा पत्नी की आरती किया करो, पत्नी से कुछ छुपाया मत करो तो तुम परेशान नहीं हो गए। पसीना क्यों छोड़ रहे हो? पसीना क्यों छोड़? मैं पुल खोलने वाला नहीं हूं, नहीं। पक्का। बताए क्या पूछना चाहता है? गुरु जी मेरे बीवी बच्चे आ जाए बस। आ जाए? फिर आके वो तुमसे लड़ेंगे तो? आपके आशीर्वाद से। तो हम आएंगे बचा भी तुम्हें? नहीं नहीं पंडित, तुम अच्छे में बोले, तुम्हारे आशीर्वाद से शादी करी तब तो नहीं कही महाराजी तुम्हारे आशीर्वाद से शादी करी, तब तो कर ली। अच्छा कुटबे को टाइम आ, बोले तुम्हारे आशीर्वाद से अच्छे थे। गड़बड़ हो आदमी, बहुत गड़बड़ हो। समझ में आ गई? नहीं गुरु जी, नहीं नहीं, बजरंग बली की कसम खाते नहीं, गड़बड़ नहीं। हमने लिखा सुने, कविता देवी मायके में जा बैठी है, ग्राम बनोटी औरंगाबाद क्षेत्र वर्तमान में नासिक में ससुराल वाले रहते हैं। वो रहने वाले ग्राम बनोटी के औरंगाबाद के हैं, वर्तमान में नासिक में आपके ससुराल वाले रहते हैं, वहीं आपकी पत्नी है। सही है? बोलो माइक से बोलो। हाँ है ना? सही है। कहाँ के रहने वाले हैं? ससुराल कहाँ आपकी? बनोटी। इस समय कहाँ है पत्नी? नासिक। सन 2024 में आपकी पत्नी आ जाएगी 101%। उनके परिवार के लोग उनको बढ़ावा गलत दे रहे हैं, लेकिन उसको अकल आ जाएगी, वो स्वयं ही आ जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। बोलो पंडवर सरकार की, सत्य की जीत होगी, पुनः जीवन बनेगा, कृपा होगी, प्रेम व स्त्री सुख प्राप्त होगा। कितनी बड़ी बात कही, स्त्री सुख प्राप्त होगा, यानी कि आपकी देवी आपकी लक्ष्मी आपके पास होगी, तिजोरी फिर बढ़ जाएगी। बाकी मैंने सब बोल दिया शॉर्ट शॉर्ट में, पढ़े लिखे हो आप। बरहा में जाकर के पूज्यपाद गुरुदेव श्री हाथीवार महाराज के दर्शन करें, गुरु कृपा से दोनों की जोड़ी के बीच में तीसरा कोई इंटर नहीं मारेगा, आशीर्वाद है। जी जी बोलो पंडगर सरकार की। और हनुमान जी पंडगर सरकार पे आस्था रखो, आपका पूरा जो घर टूटा फूटा है, जो परिवार टूट गया है, वो पुनः 3 सालों में खूब परिवार चंगा हो जाएगा, बहुत मस्त हो जाएगा, खूब आनंदमय होगा, घर में खूब आनंद और सुख शांति बरसेगी, आशीर्वाद है। आप दोनों की खूब अच्छी जोड़ी चलेगी, ठीक है, और पत्नी को भी अकल आ जाएगी कि जी हमारे घर वाले हमको गलत दिशा दे रहे हैं, हमको सही मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, है ना। और जब तक तुम्हें बुलाएं नहीं तब तक तुम जाना नहीं, नहीं तुम गाली खाओ और हमें खाली खिलवाओ, हैं, हम कुछ ऐसे खुद कर रहे हैं कि खुद ही उछल के आवे, ठीक है। और अपनी तरफ से जाओगे कि पंडू का सरकार ने भेजे, तो गाली तुम सुनोगे, गाली हम सुनेंगे। हाँ चलो जाओ, 3 रामायण 3 गहन 3 अभिनंदन करना, नियम से पाठ जाप करें, आशीर्वाद है। कहाँ से आए? माइक उठाइए। राजस्थान के बीकानेर जिले से। थोड़ा पास में आइए, हिंदी आती है? हाँ जी। क्या पूछने आए? हनुमान जी सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। मेरे पापा जी के नाम से जमीन है, फर्जी एग्रीमेंट करवा रखा है। किसने? जो सामे पाल्टी है प्रेम सुख जय नारायण ने, बीकानेर में कोर्ट में केस चल रहा है। क्या? बीकानेर के कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ। उसके मैटर में पूछने के लिए आया हूँ, भाई हमारा फैसला हमारे पक्ष में आ जाए। अच्छा, और? और सरकारी नौकरी के बारे में पूछने आया हूँ। अच्छा क्या पूछने आए? भाई मैं सरकारी जॉब लग जाऊंगा या नहीं लगूंगा। अच्छा चलिए, हमने लिखा सुनिए, हिंदी आती है? जी सर, पढ़िए। भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 464 की, व्यक्ति जो झूठे दस्तावेज किसी ने
नकली दस्तावेज फर्जी करके विक्रय किया है, विक्रय किया है, जमीन विक्रय किया है, जयनारायण द्वारा एग्रीमेंट किया है, प्रेम सुख के केस चल रहा, केस चल रहा है, सफलता, सफलता 99 100% प्राप्त होगी, कृपा होगी, प्राप्त नहीं होगी, कृपा होगी, कृपा होगी। भोमाराम पिता सावन राम जी हैं 25 मई 2025 तक केस पक्ष में होगा, अपील में भी जीत होगी। अपील शब्द लिखा नहीं, मुखात बोल रहा हूँ, 30 तक ये प्रकरण अपील में जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपके पक्ष में होगा, प्रकरण मुकदमा पक्ष में होगा, ईश्वर कृपा होगी, आशीर्वाद है, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है, कृपा होगी, आशीर्वाद है, सुनिश्चित है। पंडोकर सरकार कीजिए। 4-6 बट जो हैं हमने मौखात बोले हैं वो इस पर्चे में नहीं लिखे, उसके लिए इस पर्चे पर ढूंढना नहीं, ठीक है। आप एडवोकेट्स हैं, बताइए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, दस्तावेज नकली के कौन सी संहिता कौन से सन की के अंतर्गत आती है? 1860 की धारा, समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें लिखा है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा में 464 की व्यक्ति को झूठे दस्तावेज किसी नकली दस्तावेज की फर्जी में उलझा दिया गया है, जमीन विक्रय किया है या नकली दस्तावेज कर कूटनीति कूट रचित पर्चे बनाए हैं, तो उसके ये धारा के तहत कार्रवाई चलेगी, उसमें आपके पक्ष में दिख रही है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। अब संशोधन नियम तो चलते रहते हैं, लेकिन जो इसमें आया मैंने वो लिखा है। आपको 5.25 किलो पचमेरी मिठाई लेकर बरहा जाना है। आपने कहा जॉब के बारे में, तो जॉब के बारे में उन्होंने लिखा नहीं, पुनः पर्ची कटवा के आगे नंबर में लगे आगे मार।